एज अ ब्रांड अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो कंज्यूमर के साथ रहकर कंज्यूमर की नब्स को समझना होगा, और सैमसंग ने ये काम बखूबी निभाया है। इस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए सैमसंग अपनी ब्रांड न्यू सीरीज गैलेक्सी एफ सीरीज लॉन्च करने वाला है, और इसमें पहला फोन होगा गैलेक्सी F41। In studio today we've got with us Harish Aswani from the product marketing team at Samsung India, who's going to throw more light on the new Samsung Galaxy F41. मैं बता दूं कि आज मैं सिर्फ अपने ही सवाल नहीं करूंगी हरीश से, but I'll also be taking a lot of questions that have come to us from some users through our social media. Harish, हमारे साथ AMA वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you Aishwarya for having me here. Very glad. Let's get this started. हमारा पहला सवाल आज का ये है कि we've seen the launch of the Samsung Galaxy F41 and we've also noticed that the device is defined by the philosophy of something called full on. तो ये full on exactly क्या है? हमारे users बहुत उत्सुक हैं इस बात को जानने के लिए। Well, Aishwarya, the inspiration for full on is today's youth. It's their way of life. आप कोई भी क्षेत्र उठा के देख लीजिए, आज की युवा पीढ़ी, आज के youngsters उस हर क्षेत्र में अपना बेस्ट देना चाहते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो। दे डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, नाइदर रिग्रेट्स। इट्स देयर वे ऑफ फुल ऑन लाइफ। उसी तरीके से जब वो अपने लिए कुछ लेते हैं या अपने लिए कुछ लेना चाहते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन ही चूज करते हैं, देन एंड दे डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस ओवर देयर। गैलेक्सी F41 ऑफर्स देम अ फुल ऑन एक्सपीरियंस विद इट्स इंडस्ट्री लीडिंग बेस्ट इन क्लास फीचर्स। इट हैज अ 6000 mAh बैटरी, a super AMOLED display and a 64MP camera with IntelliCam features. Hence, a full-on device. तो जैसा अभी हमें हरीश ने बताया, this definitely sounds like a complete full-on device. And that brings me to our second question for today's AMA session, that हम Gen Z की बात कर रहे हैं और Gen Z के लिए एक अच्छा कैमरा होना बहुत important factor होता है before they go ahead and buy a phone, right? अशोक दहिया हमारे एक user हैं, वो जानना चाहते हैं कि आजकल कई सारे devices में 64MP camera feature देखने को मिलता है। How different is this feature in the Samsung Galaxy F41? Well, first of all, I'd like to thank Ashok for asking this question. आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जिसको हम Generation Z भी बोलते हैं, ये अपने हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहती है और अपने सोशल पे शेयर करना चाहती है, because they are very active on social. Whether they are traveling somewhere, या वो अपने किसी फेवरेट रेस्टोरेंट में अपनी फेवरेट डिश खा रहे हैं, या अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए, they just want to click and share. अब इस सिनेरियो में उनके लिए yes, एक कैमरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है उस डिवाइस को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन एक कैमरे का अच्छा होना, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द हार्डवेयर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमने गैलेक्सी F41 के सॉफ्टवेयर में काफ़ी इन्हांसमेंट्स किए हैं, जिससे कैमरे का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो गया। फीचर्स लाइक सिंगल टेक, वीडियो स्विच, ऑटो वाइड सेल्फी, कस्टम फिल्टर्स, आपके कैमरे का एक्सपीरियंस फॉर अ यूजर काफी अच्छा और बेहतरीन कर देते हैं। सो वी जस्ट लर्नड दैट दिस इज हाउ 64MP फीचर इज बेटर एंड मोर इवॉल्वड इन द Samsung Galaxy F41 देन सो मेनी डिवाइसेस आउट देयर। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू अ थर्ड क्वेश्चन, दैट सिंगल टेक फीचर के बारे में कुछ बताइए। ये फीचर आजकल Samsung यूजर्स के साथ इतना पॉपुलर हो रहा है, टेल अस समथिंग मोर अबाउट दिस। या दिस फीचर इज गेटिंग क्वाइट पॉपुलर नाउ, इट्स रियली अ यूनिक फीचर। कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं या ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे एक यूज़र कंफ्यूजन में होता है कि उस मोमेंट को वो एक वीडियो के थ्रू कैप्चर करे या एक स्टिल फोटोग्राफ के थ्रू कैप्चर करे। सिंगल टेक फीचर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जस्ट विथ वन क्लिक सिंगल टेक गिव्स यू अप टू 10 डिफरेंट आउटपुट्स, आउट ऑफ विच 7 आर पिक्चर ड्रिवन आउटपुट्स, जैसे कि स्मार्ट क्रॉप, बेस्ट मोमेंट्स, और 3 आर वीडियो ड्रिवन आउटपुट्स, इसी लाइक हाइपरलैप्स वीडियो, बूमरैंग वीडियो एंड ओरिजिनल कंटेंट वीडियो। सिर्फ सिंगल टेक ही नहीं, इसके अलावा इंटेलीकैम के अंदर कई और फीचर्स हैं, जैसे कि ऑटो वाइड सेल्फी। जब आप एक सेल्फी ले रहे होते हो और दो या दो से ज़्यादा लोग उसके अंदर सेल्फी अपनी लेना चाहते हैं, तो सेंसर उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके फॉर बेटर कैमरा एक्सपीरियंस उसको नॉर्मल मोड से अल्ट्रा वाइड मोड में स्विच कर लेता है, ताकि उसका आउटपुट काफ़ी बेटर आ सके। एंड थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज द वीडियो स्विच मोड। कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे यूजर अपने रियर कैमरा से और फ्रंट कैमरा से दोनों से ही वीडियो लेना चाहता है, लेकिन नॉर्मली उसको वो वीडियो रोक के दो अलग अलग वीडियोज लेने पड़ते हैं। विद दिस वीडियो स्विच मोड यू कैन सीमलेसली डू वन वीडियो विथ रियर एंड फ्रंट कैमरा बोथ फॉर बेटर एक्सपीरियंस। And that is how this is like a full-on camera experience. That's very interesting because आप सिर्फ एक फीचर की बदौलत आप इतने सारे different formats ले सकते हैं सिर्फ एक moment के। Yes. Some of our users also want to know about the display on the Samsung Galaxy F41 और क्या इसमें wide wine L1 certification available है?
Galaxy F41 की S-AMOLED डिस्प्ले इज द बेस्ट डिस्प्ले अवेलेबल इन द मार्केट एज ऑफ नाउ। सो S-AMOLED डिस्प्ले की खासियत ये होती है कि S-AMOLED डिस्प्ले आपको ग्रेटर देन 78,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देता है और 420 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है, जिससे आपका ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर हो जाता है। आजकल जैसे कि आप जानते ही हैं कि ऑनलाइन कंटेंट कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इसलिए एक अच्छा डिस्प्ले होना इज़ ए नेसेसिटी नाउ। सो S-AMOLED हेल्प्स यू इन दिस। इसके अलावा S-AMOLED काफ़ी बैटरी एफिशिएंट भी है। सो हैवी यूसेज होने के बावजूद भी ये आपकी बैटरी पे इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं करता। एंड येस, दिस प्रोडक्ट हैज़ अ वाइड वन L1 सर्टिफिकेशन, सो यू कैन एंजॉय ऑल योर HD कॉन्टेंट इन इट्स फुल ग्लोरी। दैट्स क्वाइट अमेजिंग बिकॉज इतना सारा स्पेसिफिकेशन एक डिस्प्ले को लेकर मिल रहा है एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट दैट मेक्स द होल व्यूइंग एक्सपीरियंस वेरी वेरी इमर्सिव। या इट्स अ फुल ऑन लिट डिस्प्ले। वाओ, दैट्स क्रेजी। क्योंकि हम इतनी इमर्सिव डिस्प्ले की बात कर रहे हैं और आपने ये भी कहा कि काफी हैवी यूसेज पर भी बैटरी इजीली स्ट्रेस नहीं होती है, इस बारे में हमारे एक यूजर हैं अनुराग और वो जानना चाहते हैं कि हम 6000 mAh की बैटरी में से किस तरह की बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस फोन। वेल ऐश्वर्या, बैटरी लाइफ डिपेंड करती है एक यूजर के अपने यूसेज के ऊपर कि वो हैवी यूजर है कि मॉडरेट यूजर है। अगर कोई यूजर हैवी यूजर है तो उसके लिए बैटरी लाइफ थोड़ी कम रहेगी, अगर कोई मॉडरेट यूजर है तो उसके लिए बैटरी लाइफ उतनी ही ज़्यादा रहेगी। हमारी टेस्टिंग कंडीशंस में हमने पाया है और नॉर्मल कंडीशंस में भी, जैसे मैं एक मॉडरेट यूजर हूँ, मेरे लिए 6000 mAh अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन तक अच्छे से चल जाता है। सो इट्स लाइक गुड इनफ बैटरी लाइफ। That's pretty cool. मतलब अगर 2 दिन मेरा फोन लगातार चल रहा है on an average, you know, charge of 100%, I think I'll be quite happy with my phone in that regard. Interesting. Gaming आजकल इंडिया में बहुत popular हो रहा है. Through some of our own YouTube comments, through our interactions with some of our users, we've learned that people look for a very solid gaming experience from their devices. Now, in that light, I'd like to ask you that two of our users, Vishal and Satyam, they want to know what kind of a gaming experience can we expect from the Samsung Galaxy F41. Well, Ashwarya, to start with, you can play almost all the games available in the Play Store on this Galaxy F41. Iske ilawa, gaming experience ko enhance karne ke liye, Galaxy F41 mein ek software feature diya jata hai, jisko hum Game Booster kehte hain. Game Booster आपके गेमिंग पैटर्न्स को रीड करके गैलेक्सी F41 की मेमोरी, डिवाइस टेम्परेचर और बैटरी लाइफ को ऑप्टिमाइज करता है टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल गेमिंग एक्सपीरियंस। तो क्या आप इस रिगार्ड में हमें ये बता सकते हैं कि हमारे इस डिवाइस की SAR वैल्यू क्या है? वेल ऐश्वर्या, सैमसंग में यूजर की सेफ्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी टेक केयर ऑफ। सैमसंग के सारे ही स्मार्टफोन्स की जो SAR वैल्यू, विच इज स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, अधिकतम रेंज से काफी नीचे होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ SAR वैल्यूज, हेड एंड बॉडी, इन विच हेड इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, गैलेक्सी F41 की SAR वैल्यू इज 0.383 वॉट पर kg, जो कि इस सेगमेंट के अधिकतम रेंज से काफी नीचे है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फोन नाउ बिकॉज यू हैव टोल्ड अस अबाउट सो मेनी अमेजिंग फीचर्स ऑन द डिवाइस एंड आई जस्ट वांट टू नो कि ये फोन लोगों के खरीदने के लिए कब अवेलेबल है और क्या फेस्टिव सीजन के दौरान वो कोई स्पेशल प्रमोशंस या ऑफर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द ब्रांड या नहीं। यस, सो फाइनली द डे हैज अराइव्ड। गैलेक्सी F41 इज अवेलेबल ऑन सेल फ्रॉम 16th ऑफ अक्टूबर ऑन Flipkart, Samsung.com एंड सेलेक्ट रिटेल स्टोर्स। इट इज अवेलेबल इन टू वेरियंट्स, 6GB एंड 64GB स्टोरेज एंड 6GB एंड 128GB स्टोरेज। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन 3 डिफरेंट ग्रेट कलर्स, फ्यूजन ग्रीन, फ्यूजन ब्लैक एंड फ्यूजन ब्लू। और क्योंकि ये दिवाली का मौका है तो हम अपने यूजर्स के लिए कुछ और बेटर करना चाहते थे, तो इसीलिए इस दिवाली पे गैलेक्सी F41 एक स्पेशल फेस्टिव ऑफर प्राइस पे अवेलेबल रहेगा। दिस स्पेशल फेस्टिव ऑफर प्राइस इज 15,499 रुपीज ओनली। और दैट्स नॉट ऑल, इसके अलावा यू विल ऑल्सो गेट अट्रैक्टिव बैंक ऑफर्स अवेलेबल ऑन दिस डिवाइस। That's extremely nice to know because you know that makes this device a very pocket-friendly device, specially keeping in mind ki Diwali hai, log ya to khud khareedna chahenge ya fir dusron ko gift karna chahenge. So thanks for sharing this really cute nugget of information with us. Yeah, and hold on, there is one more thing. Oh wow! So Samsung is coming up with a new Flipkart Smart Upgrade program, which is powered by Galaxy Forever. Is program ke antargat aap Galaxy F41, aapka favorite device, lagbhag 10,000 rupees mein hi khareed sakte hain. तो हमें इस Flipkart स्मार्ट अपग्रेड प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताइए। वेल, Flipkart स्मार्ट अपग्रेड प्रोग्राम इज अ वेरी यूनिक अफोर्डेबिलिटी प्रोग्राम फॉर Samsung यूजर्स ऑन Flipkart। इस प्रोग्राम में
आप अपना मन पसंदीदा गैलेक्सी F41 डिवाइस सिर्फ 70% प्राइस देके ही खरीद सकते हैं। रेस्ट 30% आपको एक साल बाद नेक्स्ट ईयर उस पर देना है, और अगर आप उसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ही, अगर आप उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने डिवाइस को वापस दे सकते हैं। I have never heard of a deal like this before, and I don't think anybody else also has who's watching this video right now, because aisi deals actually market mein exist nahi karti hain jahan tak mera khayal hai, and you know that makes this such a good buy because it will enable you to save more money eventually. Ki kitna, it's such an open deal after all. Yeah, absolutely. Buying a Galaxy F41 at lagbhag 10,000 rupees is a full on deal. Definitely. Thank you so much Harish for this very insightful AMA session with us. हमने आज बहुत कुछ सीखा Samsung Galaxy F41 के बारे में, हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा, और अब इस पॉइंट पे मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। टू ऑल आवर व्यूअर्स वॉचिंग दिस वीडियो, टेल अस इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू लाइक द मोस्ट अबाउट द Samsung Galaxy F41। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।